उत्तर प्रदेश में 13 में से 12 विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख की भले ही अब तक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज कर दिया है। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती राज्य सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों ले रही हैं, तो वहीं योगी सरकार में नव नियुक्त मंत्री गिरिराज सिंह धर्मेश ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर विवादित टिप्पणी कर डाली है। गिरिराज सिंह ने मायावती की तुलना बिजली के नंगे तार से की है, जो छूने वाला मर जाता है या नष्ट हो जाता है। वो जो उनको छुएगा, बेजी को जो छुएगा, वो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा वही मरेगा। गिरिराज यही नहीं रुके, उन्होंने मायावती को बेईमान तक बता दिया। गिरिराज ने कहा, मायावती फायदा लेने के बाद दूसरों को धोखा तक दे देती हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता, फर्रुखाबाद के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, मैं आज भी उनको याद करता हूं, और भैजी को तो और भी अच्छी तरह याद करना चाहिए, उन्होंने उनकी जान बचाई थी। 3 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया जाए, लेकिन वो किसी की सगी नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, उनसे लाभ ले लिया, खुद 0 पे थी, लोकसभा में 10 तक पहुंच गई और वो 5 तक सिमट गए, परिवार के 3 लोग उनके हार गए समाजवादी पार्टी के। यही नहीं, गिरिराज सिंह ने बीएसपी के संस्थापक कांचीराम की मौत को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांचीराम की मौत प्राकृतिक नहीं थी, वो संदिग्ध हालातों में मरे थे। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कांचीराम की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की अपील करेंगे। बता दें कि कांचीराम का निधन 9 अक्टूबर 2006 में हुआ था। इससे पहले भी कई बार बीजेपी विधायक इस तरह की टिप्पणी करते आए हैं, जिनकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। अब एक बार फिर बीएसपी प्रमुख को लेकर योगी के मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। खैर, अब देखना ये होगा कि गिरिराज सिंह के इस बयान पर मायावती क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।